हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेहतरीन चीज मसाला पराठा, जो कि हमें बिना आटा गूंदे ही और बिना बेले ही उसको बनाना है। लिक्विड डो से हम लोग उस पराठे को बनाएंगे, जो कि आजकल ट्रेंड में है। और चलिए बनाते हैं मसाला पराठा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पराठा बनाने वाले हैं मसाला पराठा, जिसमें कि हमें ना तो आटे को गूंदना है और ना ही पराठे को हमने बेलना है। तो देखिए कैसे बनता है वो, और बहुत ही इजी होता है, बहुत सॉफ्ट बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो आज ये बहुत ही आजकल ट्रेंड में भी है, तो बनाते हैं एक खस्ता सा पराठा, मसाला पराठा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में आटा लेंगे, और आटे का है तो हेल्दी तो होगा ही। और 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे आटा लिया है, और इसके अंदर सभी मसाले डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार, 1/2 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। 1/2 चम्मच के करीब ही मैंने लाल मिर्च डाली है। 1/2 चम्मच के करीब ही मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मसाले सारे डलेंगे इसमें, मसाला पराठा बन रहा है। 1/2 चम्मच ही मैं कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं हल्दी भी डाल रही हूँ इसमें, इससे थोड़ा कलर अलग सा आता है, अच्छा लगता है। 1/2 चम्मच के करीब मैंने अजवाइन लिए, उसको थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके फिर डाल देंगे। अब इसमें मैं चुटकी भर हींग डाल रही हूँ, और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देते हैं इसमें। तो कितना अच्छा सा लग रहा है देखने में ही, और खाने में तो ये बहुत ही यम्मी होता है। तो इस तरीके से हमने सभी मसाले बना लिए। अब हम इस पर डो रेडी करते हैं। इसमें पानी डालेंगे, धीरे धीरे पानी डालना है आपको, और धीरे धीरे पानी डालते हुए इसको मिक्स कर लें, जिससे कि लम्स ना पड़े, और इसका एक बैटर बना लेना गाढ़ा सा, जैसा कि हमारा डोसे का बैटर होता है उसी तरीके से ही। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही आपको डालना है। इसमें बहुत ही, जो लोगों को आटा गूंदने में मुश्किल होती है या गूंदना नहीं चाहते हैं और टाइम भी लगता है, तो वो ये जल्दी से बन जाता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं बना रही हूँ, और ये पानी और डाला, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाले, जिससे कि हमारे लम्स नहीं पड़ते हैं। चार पांच बार में पानी डाला जाएगा कम से कम, नहीं तो ज्यादा पतला हो जाएगा तो भी पराठा बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ही पानी डालें। तो ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया है, इसमें गूंदने की जरूरत नहीं पड़ी। लिक्विड डो से ही हम लोग आज पराठा बनाने वाले हैं। इसमें मेरा 1.5 कप के करीब आटा था, तो मेरा 2 कप के करीब पानी लगा है। तो इसके हिसाब से ही आप देखेंगे, डो आपका इस तरीके से फ्लो ही होना चाहिए। ये देखिए, ये डो हमारा बन के रेडी हो गया। इसको अब हम थोड़ा ढक के रख देते हैं, जिससे कि आटा अपना अच्छे से बन जाए। इसको 10 मिनट के लिए हम लोग ढक के रख देते हैं। ये देखिए हमारा डो बन के रेडी है, 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें हमें कुछ भी सोडा इनो वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ये ऐसे ही बनेगा। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है चटपटा तो आप चाट मसाला डाल दीजिए, नहीं तो नहीं डालें। तो ये ऑप्शनल है, तो मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आपको अगर अच्छा लगता है तो डाल दीजिएगा। तो अब ये डो रेडी है हमारा पराठे बनाने के लिए, तो चलिए पराठे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, नॉन स्टिक पैन लेना है, नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं आप, नॉन स्टिक ही लें जिससे कि इजीली बन जाए। तो ये मैंने गर्म कर दिया, हल्का सा गर्म हो गया है, और उसको सिम पे ही रखना है हमें। अभी हम अपना डो डाल देते हैं इसमें।
देखिए मैंने डो डाल दिए। अब इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे, जैसे कि डोसे को फैलाते हैं हम, पर ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, क्योंकि ये परांठे बन रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने डो को फैला दिया है। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है ये, पर इसमें नॉर्मल परांठे से ज़्यादा टाइम लगता है सिकने में। ये देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, जितना आपको पतला चाहिए उतना रख सकते हैं आप। अब हम इसको सिकने देते हैं। ये देखिए मैंने सारा फैला दिया अच्छे से, अब हम इसको सिम पे ही रखेंगे और इसको सिकने देते हैं जब तक ये ऊपर वाली लेयर सूख ना जाए। ये देखिए ऊपर की लेयर सूख चुकी है, अब हम इसको पलट देते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट परांठे होते हैं तो आराम से ही निकल भी जाएंगे ये ऐसे, और इसको ऐसे ही पलट सकते हैं आराम से। ये हमने पलट दिए, अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सिकने देंगे हम। ये देखिए दूसरी तरफ से भी सिक गए, तो इसको पलट देते हैं। और इस तरीके से सिकने के बाद हम इस पे आप घी या ऑयल या बटर जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, और अच्छे से इसको सेक लेंगे। मैं इसको पहले ही बता रही हूँ कि ये परांठा थोड़ा टाइम लेता है दूसरे परांठे की बजाय, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेकने में। एक तरफ घी लगा के दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। तो बहुत ही इजी बनाने में है और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये। इस तरीके से हम घी लगा के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ऐसे उलट पलट के हम दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेंगे। ये देखिए जब पूरा सिक जाएगा तो ये फूलना भी शुरू हो जाएगा। ये देखिए कैसे फूल रहा है परांठा। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं इसको। ये देखिए हमारा मसाला परांठा दोनों तरफ से सिक के रेडी है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है सिकने में, पर बहुत ही देखने में ही यम्मी क्रिस्पी सा लग रहा है। आप इसमें आलू डाल के भी इसको बना सकते हैं, या लहसुन डाल के, प्याज डाल के, कुछ भी डाल के आप बना सकते हैं। पर जो भी डालें बारीक बारीक डालें, जिससे कि ये इजीली फैल जाए सारा। चलिए ये निकाल लेते हैं और नेक्स्ट अब हम डालेंगे। तो इसमें कुछ भी घी या तेल की जरूरत नहीं है, सीधा अब हम इसी पे डाल देंगे। जितना बड़ा आपका पैन है उसके अकॉर्डिंगली आप डालिए, इसको फैलाइए, और फैलाना भी उतना ही है जितना कि पत्ता आप रखना चाहते हैं, जैसे कि आपका परांठे होते हैं। इस तरीके से आप फैला देंगे। ये भी सेक लेते हैं इसी तरीके से। ये सेकने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, आप इसमें कुछ भी डाल के सेक सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको अभी, आलू है, गाजर कद्दूकस करके डाल दीजिए आप, गोभी कद्दूकस करके डाल दीजिए, प्याज कद्दूकस करके डाल दीजिए, या लहसुन कद्दूकस करके डाल दीजिए। जो भी डालें बारीक बारीक डालें और इस तरह से परांठे का मजा लें, जिसमें कि हमें ना तो गूंदने की जरूरत है, ना ही बेलने की जरूरत है, रोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से परांठे बनाए, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और मेरे वीडियोस को देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।